Should be out. Should be the end of Darcy Short. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मतलब आज की जो वीडियो है, जैसा कि अगर आप लोग हमारे डेली व्यूअर्स हो, डेली बेसिस पे मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा एक कल वाले व्लॉग में मैंने अनाउंस किया था कि अब हम इंशाल्लाह जहां हम डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, जहां हम नातों की वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, जहां हम ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, किसी भी कोई भी दिन आता है स्पेशल, तो उसी तरीके से अब हम क्रिकेट एनालिसिस शुरू करेंगे। यानी क्रिकेट का आपको पता है मुझे बहुत शौक है, मैं व्लॉग में भी कब आए दिन मतलब हर गुजरते दिन के साथ बहुत होता है क्रिकेट खेलने का इत्तेफाक, और देखने का भी बहुत शौक है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने इस शौक को भी जो है वो मतलब इस पर भी काम किया जाए, इसको भी जो है वो उभारा जाए। तो खेलेंगे भी इंशाल्लाह, खेलने के भी मामला इंशाल्लाह, उस हवाले से भी कुछ आइडियाज़ हैं माइंड में इंशाल्लाह, उसके ऊपर भी वर्क करेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे पहले जो सबसे मेन आइडिया था, मैंने कहा चलो भाई क्रिकेट एनालाइज शुरू करते हैं, हर मैच के एनालिसिस करते हैं, हर मैच के बारे में बात करते हैं कि भाई आज जो मैच हुआ वो किसका था, क्या था, कैसे था, तो बड़ा ये सब चीज़ें बात करेंगे। मतलब रोज़ कुछ ना कुछ किसी ना किसी मैचों के, देखें दुनिया बहुत बड़ी है ना, ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान का ही मैच हो, मतलब हर वक्त कहीं ना कहीं क्रिकेट हो रहा है, तो और हम तो क्रिकेट फ़ैन हैं, जहाँ पाकिस्तान का होगा वहाँ यकीन हम चाहेंगे कि पाकिस्तान आके हो, लेकिन हम तो क्रिकेट फ़ैन है, तो हमें क्रिकेट सबकी देखते हैं, सबकी पसंद होती है, तो सबके क्रिकेट पे इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी फिलहाल आज की जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज जो है वो लंकन प्रीमियर लीग है, जो श्रीलंका का जो है वो इंटरनेशनली अपना एक टूर्नामेंट है, जैसे पाकिस्तान का PSL होता है, इंडिया का IPL होता है, श्रीलंका का लंकन प्रीमियर लीग LPL इस वक्त हो रहा है, और आज उसमें जो मैच खेला गया है सुबह, क्योंकि आज कोई इंटरनेशनल मैच नहीं है, जैसे कोई इंटरनेशनल मैच होगा तो फिर उसके हवाले से भी अपडेट दिया करेंगे। तो आज लंकन प्रीमियर लीग में जो मैच खेला गया है वो खेला गया है बील ऑफ कैंडी और गले टाइटंस के दरमियान और बील ऑफ कैंडी, इन दोनों टीमों के दरमियान खेला गया। और हुआ क्या हुआ, मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ, मैं आपको बताऊं। मतलब पहले बैटिंग करी, यानी आप ये कह सकते हैं कि इस मैच में बील ऑफ कैंडी ने गोयल की टीम को बिल्कुल मतलब ना चारों खाने चित कर दिया, यानी कैंडी की टीम ने गोयल की टीम को चारों खाने चित कर दिया, और फिर यार बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। पहले जो है वो बैटिंग करी बील ऑफ कैंडी की टीम ने, और पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 203 रन बनाए, जिसमें उनके कैप्टन हसारंगा ने जो स्पिनर है उसने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी है, मेरे ख्याल से 25 से 26 बॉलों में कोई 64-65 रन बनाए, यानी आउटस्टैंडिंग धुआंधार बैटिंग करी है। और फिर जब बॉलिंग की बात आई तो बॉलिंग में भी उन्होंने तकरीबन 3 या 4 विकेट्स जो है ना वो लिए, और बहुत ज़बरदस्त यानी मैच हुआ, यानी इनका जो कैप्टन था वो छाया रहा है, 4 विकेट्स लिए हसारंगा ने, पहले 64 रन बनाए, फिर 4 विकेट लेंगे सिर्फ 17 रन देकर, यानी समझ लें इनके कैप्टन ने ही ना पूरा मैच एक तरफ कर दिया, किसके कैंडी के। अब जब सामने टीम आई बैटिंग पे गोल की, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 114 रन पे वो पूरी टीम ही आउट हो गई है, यानी अगर आप इस मैच में देखेंगे तो पॉजिटिव कैंडी की टीम के लिए बहुत सारे, यानी सबसे बढ़ के पॉजिटिव तो ये कि उनका अपना कैप्टन ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहा है, एक ज़बरदस्त किस्म की स्पिन बॉलिंग और ज़बरदस्त किस्म की जो है वो बैटिंग, क्योंकि आगे एशिया कप आ रहा है तो श्रीलंका के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि एशिया कप होना भी श्रीलंका में, पाकिस्तान में वो सिर्फ 4 मैचेस ही हैं, और जब श्रीलंका में एशिया कप होना है तो वहाँ श्रीलंका को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जब बैटिंग शुरू हुई तो इतना कोई ख़ास वो स्कोर कर ही नहीं सकी गोल की टीम ना, मतलब बहुत ज़्यादा फंसे रहे कहीं ना कहीं, ओवर उनको मतलब बॉल्स मिल नहीं रही थी, लेकिन जवाब में जब कैंडी की टीम ने पहले बैटिंग करी तो उन्होंने चारों खाने चित कर दिया बैटिंग में भी, फिर जब बॉलिंग आए तो उस डिपार्टमेंट में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, और फील्डिंग वो कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस, यानी जितने आप कैचेस लेंगे जितनी स्ट्रॉन्ग फील्डिंग करेंगे ना वो ज़बरदस्त हो जाता है, वो हमने सुना है और होता भी यही है कि एक बैट्समैन आपको किसी दिन अच्छी बैटिंग करके मैच जितवाएगा, एक बॉलर किसी दिन अच्छी बॉलिंग यानी विकेट्स लेके मैच जितवाएगा, लेकिन एक फील्डर वो रोज़ मैच जितवाएगा अगर अच्छा फील्डर है, क्योंकि फील्डिंग अगर आपकी अच्छी होगी आप मिनिमम रन्स पे जो है ना वो टीम को रोकोगे और फिर सामने से अच्छा अटैक करोगे, और अच्छी फील्डिंग से बैटिंग टीम पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, ये भी हकीकत है, और जो प्रेशर पड़ता है वो कैचेस जो है मतलब उल्टे उल्टे शॉट मारते हैं और आउट हो जाते हैं। तो बहरहाल हमने अपने इस न्यू मतलब जो हमने एक न्यू वीडियोज़ बनाना शुरू करी है, आज इसकी पहली वीडियो हमने रिकॉर्ड करी है, और आज अभी एक ही मैच हुआ है, अभी इसके बाद LPL का दूसरा मैच भी है, कोलंबो स्ट्राइकर्स का है,
तो उसमें भी हम आपको बताएंगे, उसमें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भी मौजूद हैं और वो भी बताएंगे जब वो मैच खत्म हो जाएगा कौन जीता, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। सबको पता है बाबर आजम ने पिछले अपने मैच में सेंचुरी करी है, तो मतलब एक अलग ही कैलिबर बना हुआ है। तो बहरहाल अभी आज का तो मैंने आपको बता दिया है कि गोल की टीम ने बिल्कुल अच्छा नहीं खेला है और गोल की टीम को कैंडी की टीम ने बहुत ज़बरदस्त यानी तकरीबन 89 या 88 रन से जो है वो हराया है। तो बहरहाल अभी देखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी अगले LPL के मैच के बाद, देखते हैं। और फिर मेरे ख्याल में आज ही इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का भी 3rd T20 आई है, यानी जिसमें पता ये चलना है कि इंडिया क्या 11 साल बाद जो है वेस्ट इंडीज़ से सीरीज हार जाएगा या नहीं हारेगा। तो देखते हो कि वेस्ट इंडीज़ ने पिछले 2 T20 में इंडिया को आउटक्लास कर दिया, आज तीसरा है। अगर इंडिया ये नहीं जीतता तो वेस्ट इंडीज़ सीरीज जीत जाएगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल स्टे ट्यून रहें, चैनल को देखते रहें, दिल का तो चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और इसके साथ साथ ब्लॉग वगैरह सब कुछ आता रहेगा, कोई चीज़ बंद नहीं कर रहे, लेकिन इसका भी हमने आप लोगों के लिए एडिशन किया है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।